नमस्कार दोस्तों, इस कोरोना काल में आशा करूंगा कि आप सबकी फैमिली सेफ होगी। मेरा नाम है भारत गौतम और जी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम समझेंगे जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। यस, जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे इवॉल्व हुआ, सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, कंपाइलर, जितने भी प्रोग्राम थे वो कैसे इवॉल्व हुए, आज हम उनको समझेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया था, उसमें आपको समझाया था कि कंप्यूटर कैसे कैसे इवॉल्व हुए, हार्डवेयर कैसे इवॉल्व हुए, प्रोसेसिंग पावर कैसे कैसे बढ़ने लगी। तो चलिए आज का लेक्चर जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक हार्डवेयर का बना होता है, डिफरेंट हार्डवेयर होते हैं। अगर हम कंप्यूटर को सिर्फ ऑन करें तो कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा जब तक आप यूजर इनपुट नहीं डालोगे। यूजर का इनपुट डालने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर के अंदर। तो देखेंगे कि सॉफ्टवेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, एक मशीनरी के लिए सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि स्टार्ट हुआ था 1951 से 1959 के टाइम में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कंप्यूटर बनता है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, एक मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जो यूजर का इनपुट कंप्यूटर तक पहुँचाता है और कंप्यूटर को समझ आता है कि यूजर ने क्या इनपुट कराया है। लेकिन कंप्यूटर तो एक ही लैंग्वेज समझता है, जीरो और वन की। आपको पता है जीरो और वन की लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है। तो देखो, बेसिक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि जीरो वन वन जीरो जीरो वन, मतलब जीरो और वन, कहने का मतलब जीरो और वन के फॉर्म में ये बहुत लंबी लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन ही समझ सकता है। तो देखिए, ये कोई एक कोड होगा, ये इतना लंबा चौड़ा कोड है जो कि एक अल्फ़ाबेट है कुछ भी, उसको रीड कराएगा। तो वैसे ही देखिए, ये कोई कोड होगा, इतना लंबा कोड यूजर को, मतलब जो प्रोग्रामर होगा, जो प्रोग्राम कर रहा होगा कंप्यूटर को, उसको इतनी लंबी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, एड सम टू ACC। ये जो सम का है, सम का देखिए ये जो फॉर्मूला दे रखा है, ये इतना लंबा कोड उसको याद करना पड़ेगा किसके लिए, एड सम के लिए। और ये जो मशीन लैंग्वेज थी, कंप्यूटर जब बन के आते थे तो उसके इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये मशीन लैंग्वेज जो होती थी इनबिल्ट करके रखा होता था, ताकि यूजर को जब भी प्रोग्रामिंग करनी होती थी ये लंबा चौड़ा उनको कोड डालना पड़ता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर फंक्शन करता था। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये आई, क्योंकि ये जो कोड याद करने पड़ते थे इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था। और इसके बाद कभी कभी अगर कोई एक जीरो स्किप कर दिया या एक वन स्किप कर दिया कोड में से, तो एरर आ जाता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो दोस्तों, अगर इसके अंदर कोई भी दो वैल्यू को ऐड कराना होता था, मान लीजिए 25 प्लस 56, इन दोनों को ऐड कराना होता था, तो पहले 25 का कोड लिखना होता था, फिर प्लस का कोड, फिर 56 का कोड एंटर कराने के लिए, ये लंबा प्रोसेस हो जाता था, क्योंकि 25 को बाइनरी कोड में लिखना ज़्यादा लंबा हो जाता था, फिर ऐड के लिए उसने प्रोग्राम बनाना होता था, फिर 56 के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और मैंने आपको बताया लॉट्स ऑफ एरर आ जाते थे अगर हम इसमें कोई डिजिट भूल जाए। प्रोग्रामर जो थे, एक लैंग्वेज डेवलप करी जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये जो असेंबली लैंग्वेज थी ये इवॉल्व होके आई है मशीन लैंग्वेज से। ये इनके अंदर कुछ कोड्स यूज़ करते थे जिनको हम बोलते थे निमोनिक्स कोड। ये निमोनिक्स जो कोड थे कन्वर्जन थे मशीन लैंग्वेज के कुछ इंस्ट्रक्शन के। देख लीजिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है मूव, ये कोई इंस्ट्रक्शन है, निमोनिक्स कोड है, ये किसी इंस्ट्रक्शन होगा जो मशीन लैंग्वेज में था, उसका कन्वर्जन है। मशीन लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शन थी उसका एक कन्वर्जन है MOV, ये निमोनिक्स कोड कहलाया जाता है। उसी तरीके से ये भी कोई कोड होगा निमोनिक्स कोड, ये भी मशीन लैंग्वेज की कोई कोड होगा, 0-1 के कॉम्बिनेशन से जो बना होता है उसके ये निमोनिक्स कोड हैं। तो देखिए, एक लंबा चौड़ा, ये जो आप देख रहे हो ये लंबी चौड़ी, ये 0010 की जो वैल्यू होती है, ये बहुत ज़्यादा याद करने में प्रोग्रामों को काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन निमोनिक्स कोड की वजह से देखिए इनको याद करना थोड़ा सा इजी हो जाता था। हालांकि कुछ सेट ऑफ कोड्स होते थे जो कि मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करते थे, लेकिन आप ये देखिए, अगर हमें हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट कराना है तो इसके लिए ये छोटा सा कोड है, इस कोड को आप देख रहे हो, इस कोड को आपको यूज़ करना था। लेकिन अगर आप मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो इससे भी ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा आपको एक या दो पेज का आपको कोड राइट करना पड़ता था मशीन के अंदर। तो देखिए, असेंबली लैंग्वेज आते ही काफ़ी चीज़ें यूज़ करने के लिए हमारी इजी होने लग गई।
असेंबली लैंग्वेज के ना दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम के ना जो असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज के लिए, वो क्या करता है, नेमोनिस जो कोड होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, नेमोनिस कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के बाइनरी इक्विवेलेंट कोड्स में। और दूसरी चीज़ होती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में होता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करता है, जो प्रोग्राम होता है असेंबली लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है इक्विवेलेंट मशीनरी की लैंग्वेज में। तो देखिए, प्रोग्राम में जो असेंबलर है और सॉफ्टवेयर में जो ट्रांसलेटर है, ये समझने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों अलग हैं। असेंबलर इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इक्विवेलेंट मशीन के बाइनरी कोड्स के अंदर। जो ट्रांसलेटर होता है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन की लैंग्वेज के लिए। तो देखिए, जितने भी प्रोग्रामर होते हैं वो अलग अलग टूल बनाते हैं ताकि प्रोग्रामिंग और लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो जो लोग ये टूल बनाते हैं उन प्रोग्रामर को बोलते हैं फर्स्ट सिस्टम प्रोग्रामर। ये ध्यान रखिएगा, समझने वाली बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए, मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर के अंदर होती थी, आप ये डायग्राम से समझिए, मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर से होती थी वहाँ से इवॉल्व हुआ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में जो हम लिखते थे वो वापिस कन्वर्ट होकर कहाँ आती थी, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है सिर्फ उसे मशीन लैंग्वेज ही समझ पाता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मशीनरी आपकी पावरफुल होती गई। मशीनरी पावरफुल होने लगी तो उसको एफिशिएंटली तरीके से काम करने के लिए नए नए टूल्स बनाए गए। तो सेकेंड जनरेशन इसी के साथ आता है, सेकेंड जनरेशन सॉफ्टवेयर, जो कि स्टार्ट हुआ था 1955 से 1965 तक। जो सेकेंड जनरेशन के ने जो टूल यूज हुए थे वो मेन टूल था हाई लेवल लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज का सक्सीडर था हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर जो स्टेटमेंट जो कि इंस्ट्रक्शन यूज होती थी वो इंग्लिश की स्टेटमेंट्स की तरह यूज होती थी। तो देखिए, जैसे ये स्टेटमेंट है देन प्रिंट CEL सेल्सियस, वैसे ये देन प्रिंट फेरनहाइट। तो देखिए, इंग्लिश टाइप की स्टेटमेंट्स इस लैंग्वेज के ना यूज होने लगी, जिनका यूज़ प्रोग्रामर ने बहुत अच्छी तरीके से करा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, मशीनरी को अच्छे से यूज़ करने के लिए, ताकि मशीनरी अच्छे से यूज़ कर पाए, उसको एफिशिएंटली हम यूज़ कर पाए। तो हाई लेवल लैंग्वेज की समझिए, दो लैंग्वेज एक उस टाइम पे डेवलप हुई थी, दो पॉपुलर लैंग्वेज थी जो कि आज के ज़माने में भी यूज होती है कई जगह। तो देखिए, पहली लैंग्वेज थी फोरट्रान। ये जो लैंग्वेज डिजाइन करी गई थी ये बेसिकली न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के लिए डिजाइन करी गई थी, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। और जो दूसरी लैंग्वेज थी वो थी कोबोल। और जो कोबोल लैंग्वेज डिफाइन करी गई थी, ये डिफाइन करी गई थी बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। ये जो दोनों लैंग्वेज थी ये सेकेंड जनरेशन के इस टाइम पीरियड के लिए थी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। और इस टाइम पीरियड के ना एक लैंग्वेज और डिफाइन करी गई थी, लिप्स। ये जो लैंग्वेज यूज़ करी गई थी ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी जिस तरीके से ये दोनों लैंग्वेज पॉपुलर हुआ करती थी, लेकिन आज के ज़माने में ये जो लैंग्वेज है ये यूज होती है किसके ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर जो पहला प्रोग्राम रन कराया गया था वो लिप्स लैंग्वेज के अंदर ही रन कराया गया था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आर्टिफिशियल का पहला प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज में रन करा गया था, उसका आंसर होगा लिप्स। ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज मार्केट में आई तो उससे काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया प्रोग्रामर्स के लिए, कि एक प्रोग्राम अब प्रोग्रामर मल्टीपल कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते थे। एक प्रोग्राम को मल्टीपल कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर में एक सेम प्रोग्राम को आप डाल सकते थे हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से। तो देखिए, जिस तरीके से असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम डिफरेंट बने हुए थे, उसी तरीके से हमारे ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाया जाता था। तो देखिए, पहले के ज़माने में ये जो सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन था, हाई लेवल लैंग्वेज को पहले कन्वर्ट करा जाता था असेंबली लैंग्वेज में, फिर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करा जाता था मशीन लैंग्वेज में। तो देखिए, टू स्टेप प्रोसेस होने लग जाता था, ये टू स्टेप प्रोसेस होता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रोग्रामर्स ने डेवलप करा एक टूल जिसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर एक प्रोग्राम था। ये कंपाइलर क्या करता था, जो ये जो टूल होता था हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करता था ये मशीन लैंग्वेज के इक्विवेलेंट बाइनरी कोड्स के अंदर। ठीक है, कंपाइलर बहुत ज़्यादा यूज हो गया, क्योंकि पहले के ज़माने में हाई लेवल से पहले असेंबली लैंग्वेज में आते थे, असेंबली से मशीन में जाते थे, लेकिन कंपाइलर आने के बाद डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा था, जो कि एक स्टेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। ये काफ़ी ज़्यादा कंपाइलर पॉपुलर हुआ, जो कि आज के टाइम भी हम यूज़ करते हैं।
आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी कभी कभार, सी प्लस प्लस शायद आपने पढ़ी होगी। तो उसके अंदर जो हम ये देखिए प्रोग्राम लिखते हैं तो इसको हम कंपाइल कराते हैं। कंपाइल क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को ऑन द स्पॉट मशीन लैंग्वेज के इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट के ना कन्वर्ट कर देता था, जिससे हमें ऑन द स्पॉट हमें आंसर मिल जाता था। देखिए जैसे जो प्रोग्राम यहाँ पे रन करा, इसमें प्रिंट करवाया गया है हेलो वर्ल्ड। तो देखिए रन कराने के बाद हेलो वर्ल्ड देखिए इसमें लिखा गया हेलो वर्ल्ड ये जो है, तो इसको बाद में कंपाइल कराने के बाद देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्विवेलेंट मशीनी कोड के अंदर। तो दोस्तों देखिए मशीन लैंग्वेज जो आई थी मशीनी के अंदर कंप्यूटर के अंदर, उसका सक्सीडर था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का सक्सीडर था हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आज भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश की स्टेटमेंट में लिखा जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी होता था याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, समझने के लिए। असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम ये होती थी, इसके अंदर नेमोनिक्स जो कोड थे, हर छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन के लिए हमें नेमोनिक्स कोड याद करने पड़ते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। हालांकि ये आसान था किसके मुकाबले, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए हमें लंबा चौड़ा बाइनरी डिजिट का कोड हमको हमें लर्न करना पड़ता था, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी था और एरर भी आने के लिए बहुत ज़्यादा चांस होते थे।